ओ बंदर। हाँ तुम नु सोच रहे हो मैं क्या खातर चढ़ू, मैं लकड़हारो छू। ओ लकड़हारे ज्यादा ऊपर चढ़ रहे, थोड़ा ऊंचो बोल, कम सुने से। ओ लकड़हारी। हाँ। ओ छोरी। कौन है? ओ बंदर। हाँ। के कर रहा है ऊपर? तू के जुगाड़ सा पहले आ बता। मैं के जुगाड़? हाँ। मैं तो एक लड़की हूँ। लड़की? और फिर आने जंगल में क्यों फड़की? जंगल में क्यों फड़की? हाँ। मुझे कुछ आपसे काम है। इतनी जंगल में सूट मजड़े सितारे लिपस्टिक टिक्की बिंदी, मैं तो लड़की तो कोने कोई। क्यों? तू कोई चुड़ैल उड़ेल है, मैं नहीं आऊ नीचे। हाँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। नीचे आ जा, नहीं मैं ऊपर आ जाऊंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं नीचे आ जाऊँ। अच्छा ये हुई ना बात। आप मेरे पास आइए। आ गया। अब मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी? जी। कर जरूरी बात। जरूरी बात ये करनी है, ये जो मेरा दिल है ना, दिल। हाँ। मेरा दिल आ गया आप पे। अच्छा तेरा दिल आ गया मेरे पे? जी। मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। अरे बावली, ये दिल बिल, ये पैर हाथी घोड़ा, ये कोई ऊपर आने की चीज है? बावली बात नहीं करा करते पागल। एक दिल ही ऐसी चीज होती है जो किसी पे आ जाती है। अम्बे जी, कौन आई? अब मेरा दिल आप पे आ गया। अब मैं आपके साथ में पता है क्या करना चाहती हूँ? पढ़ा पड़ेगी जी। क्या करना चाहते हो? अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। शादी? जी। यो के हो या करे? शादी की नहीं पता ना। कहाँ गया वो? तो बता दिए शादी के हो। तो कैसा मुन्ना भी अनिमून कोई भी, और शादी में भी ना जानू। अच्छा हाँ। ताऊ ने सब कुछ बेरा है पर तुझे बेरा नहीं है? मना नहीं पता शादी शोदी की? नहीं पता ना। तो ब्याह तो जानता होगा? ब्याह भी नहीं जानता। ब्याह भी नहीं जानता ना। लव मैरिज? कुछ नहीं जानता। अरेंज मैरिज? रखे हो है ये, मैं नहीं जानता। नहीं जानता ना। कति ठुंड को ठुंड है ये। हाँ। अच्छा चल एक बात बता सीधे सीधे, तेरे घर में मेरी जैसी कोई है? मेरे घर में तेरे जैसी मेरी माँ है। तेरी माँ की बात नहीं कर रही, और मेरे जैसी कोई जवान? जवान को ना? नहीं है ना। बड़ी बात, इब तो तू भी रांडा है, कुंवारा है तू भी? हाँ मैं रांडो, खुरेट देशी रांडो। अच्छा हाँ। तो अब तो मैं बिल्कुल पक्कम पक्का आपके साथ शादी करूंगी, और अगर तू मेरी गल शादी नहीं करेगा तो भी यही मर जाऊंगी। अरे बावली तन्ने कून मरण दे, हन्नू ले जाए जनू पल्लेदार बोरी लेगा जा है अपनी, कह दे मेरी सुन ले। अच्छा हाँ। तो सुन मेरी बात। हाँ। राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से, सेतु राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। जंगल में ये डांगर घुला करे, मैंने सोची तू भी गुड़न हो रही है, मैं भी कर दिया। अच्छा हाँ। अच्छा मैं तेरे लिए डांगर हूँ? डांगर को ना मैंने सोची नहीं। अच्छा हाँ सोची नहीं। देख तू इतना सुंदर सुशील है, ब्याह करने की मतलब के ऐसी प्रॉब्लम है, तू ब्याह नहीं करना चाहता? नहीं कर सकता मैं ब्याह, नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता ना। तो सुन मेरी बात। हाँ
की जंग शादी करके जोड़ेगी जंग पूरा हो रहा मलंग पूरा हो रहा मलंग अब नार चाहिए से पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू अरे नाम गांव में जाऊंगी तेरे रिश्ते की बात करूंगी तो पहले सुन बड़े बुजुर्ग नु कया करे गाय न्याणा की बहु ठिकाना की अच्छा पहले तू तेरी बता फिर मैं अपनी बताऊंगा अच्छा मेरी पूछ तू तो मैं तेरी पूछती हूँ बता हाँ सुन ले तेरा कौन है वो तेरा कौन है नाम गांव अब तक पाती ना जान तेरा कौन गांव नाम अब तक पाती ना जान जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान ईसा बत्री ने चाहिए पति तुझ सा बलवान ईसा बत्री ने चाहिए पति तुझ सा बलवान तन महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान नहीं उससे पहले अपना नाम आपने क्या बताया सत्यवान सत्यवान हाँ आपका नाम सत्यवान हाँ मेरा नाम पता क्या है के सावित्री अच्छा फिर मिल गई जोड़ी क्यों नाम राशि एक रा नाम राशि राम की रावण की भी एक थी ए? कंस की कुंभकर्ण की भी एक थी कृष्ण की और कंस की भी एक थी राशियां के चक्कर में नहीं पड़ता मैं अच्छा हाँ। पर मैं तो पढ़ती हूँ बावली मैं हूँ एक निर्धन लकड़हारा और तू एक पैसे वाले तेरे लते कपड़ों से पता चलता है तू किसी शेठ साहूकार या कोई राजा की छोरी है अरे राजा की छोरी थी पर अब नहीं रहूंगी क्यों अब मैं तेरी बन गई मेर पर नहीं जी लेंगे पागल तू मुझे जैसे रखेगा वैसे रह लूंगी एक जोड़ी लते में रह लूंगी एक रोटी खाऊंगी इतनी छोटी सी एक रोटी हाँ ये कह रही है एक रोटी के बाद में एक बिलान दिलाएगी तू पूरी मेरे पे तेरे खर्चे नहीं जी सकते अच्छा हाँ मतलब मानेगा नहीं मेरी बात हाँ। अच्छा तो सुन मेरी बात हाँ। देख पागल बिन शादी के ना जीवन अधूरा रहता है अच्छा हाँ शादी ना करने की प्रॉब्लम बता अपनी मैं तो रांडे रहूंगा पागल रांडे इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती जिंदगी रांडे की है कैसे देखना देखियो रांडो ओहो नुगम्बे भी रांडो देखियो तो रांडा का वो है अच्छा। यो भी रांडा देख बावली मोती रांडा अच्छा योगी रांडा ओ बाबू रामदेव रांडो ओ पप्पू रांडो पप्पू जाने तू कौन राहुल गांधी और मैं भी रांडा अच्छा तू भी रांडा हाँ पागल उनकी बात छोड़ देखियो रांडा नहीं है तू रांडा नहीं है ना देख नू कह रहा मैंने तो दो दो ले रखा हूँ दो है मेरे धोरे तो जब ही देख ले इसका शरीर की लाल का हो रहा है के कमी है बता पीस न राखी चढ़ में रह गई टेंशन में पीवा है यो अच्छा हाँ टेंशन में मतलब तू शादी नहीं करना चाहता नहीं पागल मेरी बात सुन शादी करने वाले इंसान की मौज ही मौज रहती है कुछ मौज नहीं होया करती शादी शुदा आदमी रात के 8 बजे और टेंशन हो जाएगी घर भी जाना है रांडा जीत देखी तो वह परात ओढ़े बिताई सारी रात अच्छा घर जाने की टेंशन ही कोना बिन साथी हो बिन साथी हो बर्बादी ना उम्र ये कटे बिन साथी हो बर्बादी ना उम्र ये कटे थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे अच्छा थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे तेरा रोज निभाऊं साथ मेरे दूर क्यों हटे जीवन काटेगी सत्यवान
अच्छा तू दुख में जीवन काटेगी सतवार लूटे आयु पल पल में घटे पलो पलो में घटे अपना वार चाहिए से नई बहू ने बालम जोड़ी दार चाहिए से नई बहू ने बालम जोड़ी दार चाहिए से अरे जाओ तुम चाहे जहां लाला किरोड़ी मल सेठ के यहाँ पे शहर में बेच के आता हूँ अच्छा मेरे घर में दो मेरे अंधे माँ बाप तीसरा मैं तीन आदमी हैं तीन आदमी दो खाट हैं घर में एक पर मेरी माँ सो जाए एक पर मेरा बापू सो जा अच्छा दो रिजाई हैं एक मेरा बापू ले ले एक मेरी माँ ले ले अच्छा और उनके बीच में एक दरीशी बिछा कर मैं पड़ जाऊँ तना ले तो चालू पर तू कड़े सोगी कोई दिक्कत नहीं जी हाँ मैं भी बीच में ही सो जाऊंगी मतलब मेरे माँ और बाप मेरी पगल में सुते खाट पर तू बीच में मेरी गैल सोगी मन शर्म नहीं आओगी अरे वो तो अंधे हैं तो ना उनको क्या पता कौन सो रहा कौन नहीं सो रहा वे अंधे हैं पहरे को ना महसूस कर लेंगे वैसे मतलब इस गांव में नौजवानों को तो खामा खा वैसे ही प्रचार हो रहा है पर मुझे लग रहा है इस गांव में कुछ बुड्ढे ज्यादा बिगड़ रहे हैं कौन सी चक्की कांटा खाते हैं जी चक्की ना बेरना कौन सी जड़ी बूटी खावा देख बुड्ढा ही चेहरा बजाता चमक गई है तो बेचारे हुई हुई में टाइम पास कर रहे हैं अच्छा हाँ ओ बेग राज कर ले साची हिम्मत ना फूके लहू बेग राज कर ले साची हिम्मत ना फूके लहू गुरु अमित चौधरी पे छम्मा क्यों होरी चाहू गुरु अमित चौधरी पे छम्मा क्यों होरी चाहू औरत का घर में औरत का घर में आदर और सत्कार चाहिएगा देख मैं तेरे ब्याह तो कर लूंगा जी पर काल न मैं तो जाऊं लकड़ी काटन मेरे घर अंधे माँ बाप कदे तू उनकी लकड़ी से काट दे मन इस बात का वचन चाहिए कि भी मेरे ज्यादा सेवा मेरे माँ बाप की तू करेगी तो मैं ब्याह की हामी भरूंगा नहीं मैं नहीं भरने का बिल्कुल अच्छा इस बात का वचन चाहिए ले 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 वचन तेरे से पहले उनकी सेवा करूंगी तो फिर ठीक है तू बताता ना क्या चाहिए फिर बता हाँ एक तू जो मिला एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली मिला जो मेरा दिल सारी पतिया मिला जो मेरा दिल सारी दुनिया मिला जो मेरा दिल सारी पतिया मिला जो मेरा दिल सारी पतिया जी पता नहीं जब मैं घर से चला तब बिल्कुल ठीक था लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो मेरे मृत्यु के दिन नजदीक हो पिया जी आपने बहुत ज्यादा थक चुके हैं आप पिया जी बहुत ज्यादा थक चुके हैं आप एक काम करिए मेरे पास आके बैठिए लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरी बात सुन ले कही अपनी बात ओए सावित्री मेरे प्राण काट कोए ले जाना चावे से
अरे मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे चक्कर सा आवे से रे सावत्री मेरे प्राण काट के ले जाना चाहे से मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे चक्कर सा आवे से तेरी मेरे प्राण कार्ड को ले जाना चाहे से मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर झावे से करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे मेरे अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चला रे सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे हे सती सुहाग चला रे वे पे समझे बे परख कहेंगे बे समझे बे परख कहेंगे चक्कर के गावे से मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे चक्कर सा आवे से। इतनी कह के एकदम फटका खा के सत्यवान गिर जाता है। सजनों मौत हर इंसान को पता है कि तू मरेगा एक दिन, लेकिन हर इंसान चाहता है कि तू मरे ना। सत्यवान की मृत्यु बिल्कुल नजदीक है। यमराज आया और जैसे ही सत्यवान के शरीर से प्राण निकालने लगा, हाथ बढ़ाया। रुकिए महाराज। सावित्री ने झट हाथ पकड़ लिया। बेटी, क्या तूने मुझे देख लिया? जी बिल्कुल, ऐसा पहली बार हुआ। यमराज को तो मरने के बाद लोग देखते हैं। बेटी, ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है? जी। हे लाडो, ये तो मर लिया। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कहिए महाराज। क्योंकि इसका इतना ही अंजल पानी था। संसार में जितने गिनती के सांस जीव के हैं, वो भोग कर चला जाता है। अब तेरा पति मर चुका है और मैं यमराज हूं। जब तक तू तेरे पति के गले बैठी है, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्योंकि बेटी, तूने निर्जला एकादशी के व्रत करे हैं। अगर मैं तेरे नजदीक आऊंगा तो मैं भस्म हो सकता हूं। लड्डो, मैं निवेदन करता हूं कि तू अपने पति के शरीर से अलग हट, मुझे इसकी आत्मा को निकालना है। नहीं महाराज, महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत करिए महाराज, आप मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज। अभी तो हमारे शादी के पूरे एक वर्ष हुए हैं, अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं। एक साल तक तूने पति का सुख भोग लिया? ऐसी भी दुनिया में लड़की है, एक दिन सुहागण दूसरे दिन अभागण, ये प्रकृति के नियम है। तू अलग हट। नहीं महाराज। सावित्री, अलग हटना होगा। नहीं, मेरी बात सुन ले। ये तेरा फर्जी अड़े हुआ पूरा, अब सावत्री उल्टी हट जा, उल्टी उल्टी हट जा, इसके शरीर से अलग हट। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जाए। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जाए। ये तेरा फर्ज हुआ पूरा है, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी
अलग हटना होगा। कैसे हट जाऊंगा? मेरा कर्म है, मेरा कर्म है कि जीव की आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में स्थानांतरण कराना। तेरा कर्म है, तेरा पति मर चुका है, लकड़ियां इकट्ठी कर और इसकी अंत्येष्टि कर। नहीं कर सकती महाराज, कैसे कर दूं महाराज, कैसे कर दूं? जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आए थे, घर में मेरे सास ससुर हैं, वो भी दोनों अंधे और उनकी एक ही संतान है महाराज, क्या जवाब दूंगी मैं उनको घर पे जा करके कि उनको बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा महाराज। नहीं, ये संसार का नियम है। अरे खाली रह गया पिंजरा, हंस तो चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आए नहीं मुड़ के, पांच तत्व जुड़ के यो काया का स्थूल है, इब सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है, अलग हट। नहीं बेटी, क्या चाहती है तू? मैं अपने पति की प्राण चाहती हूँ महाराज। और मैं चाहता हूँ कि तू इसके शरीर से अलग हट, फिर मैं इसको लेके चला जाऊंगा। नहीं हटूंगी महाराज। एक काम कर। क्या? खड़ी हो, वो गुलाब का फूल खिल रहा है, उस फूल को तोड़ के लिया। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। बड़ी चालू है तू तो बेटी। मैं तेरे पति को तो नहीं दे सकता, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो तू कहे मैं वो कर दूंगा। मेरी बात सुन ले ध्यान से। कहिए। हरगिज को न्याताल करूं, अरे पहले वचन भरो भगवन में आगे फिर सवाल करूं, पहले वचन भरो भगवन में आगे फिर सवाल करूं। वचन जी तो ले दीजिए। एक दो तीन। अच्छा, सत की सती सावित्री मैं भी तो तेरा ख्याल करूं, जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष पता किसे ढाल करूं, जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष पता किसे ढाल करूं। ओए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा, है झूठा मोह का जाल जगत में बेटी सावित्री जी, हमने आपको तीन वचन दिए हैं। हाँ महाराज। आपको ईश्वर की सौगंध लगे, अपने पति को मत मांगना। इन तीन वचनों को हम तीन वरदानों में बदलते हैं, जो तू कहेगी मैं दे दूंगा महाराज, पर तुझे भगवान की कसम लगे अगर तूने अपने पति को मांगा तो। रहम कीजिए महाराज, इतना ही रहम कर सकता हूँ। आप सोचिए महाराज एक बार की, मैं इस दुनिया में बिना पति के जी करके क्या करूंगी। तेरे जैसी लाखों करोड़ों अरबों औरत है जिनके पति मर गए, वो भी जिंदा है। तीन वरदान दिए, पूरी कायनात की कोई भी चीज मांग ले मैं तेरे को दे दूंगा, बस पति को नहीं दूंगा। ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू तो ठीक है महाराज। वचन दे। आप लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बन गया काम, बन गया काम। चलिए कर ले बेटी यकीन मेरा, दिखे राज मिले, अरे राज मिले और नैने खोल दो वो ससुराल में तरीन मेरा, राज मिले और नैने खोल दो
महाराज। तू चाहती है कि पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आँख जी और उनका छीना हुआ राज। हाँ महाराज। बेटी तथास्तु। ठीक है। ऐसा ही होगा सावित्री जा, ऐसा ही होगा सावित्री। इब देख लिए तू सीन मेरा, अरे बिना पति के श्री मान मन होगा गति बलीन मेरा। बिना पति के श्री मान मन होगा गति बलीन मेरा। है जीत उसी की होती है लोगो, जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा। दिखे उस मानसी का की कर ले जो कहीं बात में डट जा। उस मानसी का के कर ले जो कहीं बात में डट जा। एक वरदान तेरा पूरा कर दिया, अब दो वरदान बचे जी। सोच ले समझ ले और मांग ले। ठीक है महाराज। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सुन मेरी बात। कहिए अपनी बात और मेरी सुनिए। अब दिल की चिंता दूर करो। दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। बेटी मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूँ, ये तेरा दूसरा वरदान। तू चाहती है कि दो पुत्र। हाँ महाराज। तेरे पिता के। हाँ महाराज। बस दो। हाँ। जा बेटी दो नहीं 100 पुत्र दूंगा तेरे पिता के। अच्छा। तथास्तु। ठीक है महाराज। 100 भाई तेरे हो जाएंगे, है 100 भाई तेरे हो जाएंगे। अब खुशी आज भरपूर करो। एक बेटा हो। हाँ। एक पुत्र हो मेरी को किसे तेजस्वी और शोर करो। एक बार दोहरा देता हूँ, पाचनों के हमारा चीटिंग कर गया। हाँ। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आँख जी, उनका छीना हुआ राज। हाँ महाराज। दिया तथास्तु। ठीक है। दूसरे वरदान में तेरे पिता के 2 नहीं 100 पुत्र जी, तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी 1 पुत्र बेटी, तथास्तु। अच्छा। है देता हूँ वरदान सती, तन देता हूँ वरदान सती। अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों रोकती है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी पूरी होगी, 3 वरदान दिए जी। तेरे सास ससुर की आग उनका राज। हाँ। तथास्तु। ठीक है। तेरे बाप का 100 पुत्र तथास्तु। ठीक है महाराज। तेरे भी 1 पुत्र तथास्तु जी। देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। दिखे कैसे होगा क्या, कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पतिया ले जात जा। कैसे सावित्री क्या महाराज? यो के मांग लिया। क्या मांगा है महाराज? मैंने पहले ही कहा था कि इस पिता को मत मांगना। के है यो? पति। हाँ, पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है, मैंने तो पुत्र मांगा है। तो पुत्र दे तो दिया। अच्छा महाराज, आप एक बात बताइए, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी।
ये तुमने सोचा ही नहीं बेटी, तुम्हारे यहाँ गर्मी ज्यादा है। अच्छा, दिमाग भंगड़ हो गया मेरा। ओहो, लाडो ये वरदान हमने जल्दबाजी में दे दिया। मुझे कुछ नहीं पता महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं, जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए वरना आप जहाँ से आए हैं वही वापस चले जाइए। तेरी बाण का यमराज की बेइज्जती। लड़की तू मुझे नहीं जानती, मैं यम हूँ, यम है हम। अच्छा, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते कांपते होंगे। क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? नहीं है। जरा मुझे देख। हाँ! देवी देवी मेरी माँ, तू बड़ी समझदार है। अरे जो चला गया वो चला गया, अब ये उल्टा आने वाला नहीं है। नहीं महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं, जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए वरना अगर आप पूरे नहीं कर सकते तो वचन हार हो जाइए। और अभी तो थोड़ी देर पहले आप बहुत कर रहे थे तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तीसी होगी तथास्तु की। क्यों बेटी, मैं ये 3रा वरदान पूरा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं। अरे आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तो तुमने तो मुशी बना दिया यमराज भी। अरे आप चाहेंगे महाराज तो आप क्या नहीं कर सकते? मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी खोना। अरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे, परले आ जाएगी, जो गया वो गया, अब इस आत्मा का पुनर्जन्म होगा। नहीं महाराज, अभी ही आपको मेरे पति को जिंदा। लड्डो हाथ जोड़ वाले। नहीं महाराज, यमराज किसी से भय नहीं खाया, लेकिन आज सती सावित्री तेरे आगे यमराज हार गया। 3 वरदान भी दिए फिर भी हार गया। बेटी यो काम मेरे बस की कोना। नहीं महाराज, ना 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 कोना। आपको ये काम करना ही होगा महाराज। चलिए चक्कर बीच फसाया। अरे नोनी दी और पारा सीधी आती ने आपकी माया। नोनी दी और पारा सीधी आती ने आपकी माया। क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। दिखे सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान वचन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान वचन में पाया। केवल एक तरीका है तेरे पति को जिंदा करने का। कैसा? बेटी मैंने देख लिया, तेरी उम्र 100 बरस बकाया है, आज से 100 साल बाद मरेगी तू। अच्छा, अगर तू हाँ अपनी आधी जिंदगी यानी के 50 साल यमराज को दान कर दे, संकल्प दे के वह तेरे 50 साल तेरे पति को दान मैं कर दूंगा। 50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति जिएगा। पर लाडो सोच ले, क्यों खराब करे 50 साल? हरा गणा है वो 100 साल, मौज मारिए, ईश्वर के वरना कितने मिलेंगे, छोड़। सोच ले, आधी जिंदगी का दान तो दे सकता हूं तेरे पति का दान, छोड़ ले जाऊं महाराज। हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या? अगर आप मेरे पूरे 100 साल में मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। ताली बजानी पड़ेगी, बे जोरदार ताली। ले तो ला दे, आधी जिंदगी 50 साल दे। लीजिए महाराज। या तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी, खड़ा हो बेटा। अरे मान सिंह ने यो के करे है महाराज, आपने वचन दिया है पुत्र करूं। मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर कारट जा। दिखे कह रघुनाथ धर्म